पनीर की सब्जी बिना झंझट के बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी। इसके लिए आधी कटोरी हम ले लेंगे दही। दही में डालेंगे कसूरी मेथी, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, साथ में गरम मसाला। सब डाल के हम अच्छे से दही को फेंट लेंगे। इसमें हम यहाँ पे नमक नहीं ऐड कर रहे हैं, इसमें हम एक चम्मच चीनी ऐड कर रहे हैं। तो हम सभी चीज़ों को मिला के एक तरफ रख देंगे। दूसरे तरफ हम ले लेंगे कढ़ाई, उसमें डालेंगे थोड़ी सी तेल और उसके बाद कटे हुए शिमला मिर्च को हम भून लेंगे। साथ में हम प्याज को भी भून लेते हैं शिमला मिर्च के साथ साथ। दोनों को अच्छे से हम फ्राई कर लेते हैं। सुबह सुबह जब आपको टिफ़िन बनाने का रहे, पनीर की सब्जी, कुछ ऐसी रेसिपी जो जल्दी बन जाए, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद हम इन सबको निकाल लेंगे। उसके बाद हम पनीर डालेंगे। पनीर को भी थोड़ा सा हम फ्राई कर लेते हैं। इसे ज़्यादा चलाएंगे तो ये टूट जाएगा, इसीलिए हम इसे हिला हिला के इसे फ्राई कर रहे हैं। ये पनीर की सब्जी बहुत टेस्टी बनती है। तो हमारा पनीर फ्राई हो गया है, अब इसे निकाल लेंगे। फिर हम उसी कढ़ाई में रखेंगे तेल, थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा सौंफ डाल के हम दही वाले मसाले को इसमें ऐड करेंगे और लो फ्लेम पे हम इसे पका लेंगे मसाले को। और थोड़े से काजू, मतलब 10 काजू को हम दूध के साथ पीस लेंगे और इसी दही वाले मसाले में हम मिक्स करके हम मसाले को अच्छे से भून लेते हैं। एक बार ढक के भी मसाले को हम पका लेंगे ताकि मसाला अच्छे से पक जाए। उसके बाद सारी सब्जियां हम डाल देंगे, पनीर के साथ भी हम डाल देंगे इसमें बारी बारी से। और ये बस 5 मिनट के अंदर आपकी सब्जी ये बनके रेडी हो जाती है। सुबह की भाग दौड़ में ये सब्जी टेस्टी भी बनती है और जल्दी भी बनती है। तो मेरे बच्चे को तो बहुत पसंद है ये सब्जी। तो मैं चली टिफ़िन पैक करने और ये बहुत टेस्टी बनी है। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक,